नमस्कार दोस्तों। कई लोगों ने ये पूछा है कि नॉमिनी जो रहता है अकाउंट होल्डर में, बैंक अकाउंट होल्डर में, उसका कितना अधिकार होता है उन पैसों पर। कई बार क्या होता है कि लीगल हेयर्स और नॉमिनी के बीच में आपस में खींचतान रहती है। जनरली नॉमिनी लीगल हेयर में से कोई होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अकाउंट होल्डर किसी और को नॉमिनी कर देता है जो कि लीगल हेयर नहीं होता। अब इस केस में लॉ क्या कहता है, इनहेरिटेंस लॉ क्या कहता है कि नॉमिनी जो है वो एक सिर्फ टेक केयर की तरह काम कर सकता है। मतलब जो भी पैसा मिलेगा नॉमिनी का उस पर अधिकार नहीं है, लीगल हेयर कोर्ट के माध्यम से जाके अपना अधिकार ले सकते हैं और नॉमिनी को वो पैसा उनको देना होगा। मतलब नॉमिनी लीगल हेयर नहीं है बैंक अकाउंट होल्डर का। अगर लीगल हेयर से चाहे तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और नॉमिनी से अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं जो भी लीगली उनका राइट्स हैं। लेकिन बैंक हमेशा नॉमिनी को ही पेमेंट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बैंक नॉमिनी को पेमेंट ना करे तो आपको कोर्ट से पहले ऑर्डर लाके बैंक को देना होगा। अगर आप कोर्ट से ऑर्डर लाने में डिले करे और बैंक ने उस बिटवीन अगर नॉमिनी को पेमेंट कर दिया तो बैंक बिल्कुल लाइबल नहीं है। हाँ, एक बार जब नॉमिनी को पेमेंट हो जाएगा तो लीगल हेयर्स कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा वसूल करने के लिए वो कोर्ट में पेटीशन दायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।